आज के नए वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक हीटिंग की। इलेक्ट्रिक हीटिंग सेकेंड ईयर मैकेनिकल के विद्यार्थियों के लिए एक यूजफुल टॉपिक है। हीटिंग की आवश्यकता हमारे को क्यों होती है, सबसे पहले हम इसकी बात करें, क्योंकि जब भी हम कभी किसी इंडस्ट्री प्रोसेस इंडस्ट्री हो, वहाँ कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए सर्टेन टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ता है। कोई लिक्विड हो, कोई अगर कोई मैकेनिकल प्रोसेस है तो वो किसी शीट मेटल के उद्योग में काम करने के लिए हमारे को कोई टेम्परेचर का आवश्यकता होती है, और अन्य भी कई प्रकार की फाउंड्री हो, फर्नेसेज हो, वहाँ उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमारे को हीटिंग की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से हम उस टास्क को पूरा करने के लिए हीटिंग का महत्व ये है। अब हम हीटिंग के विभिन्न तरीके हो सकते हैं, जैसे हम उसको डायरेक्ट सनलाइट से हीट करें, या किसी फायर से हीट करें, या और अन्य कई तरीके काम में लें। लेकिन उन सब तरीक़ों में जो सबसे बढ़िया तरीका है हीटिंग के लिए, वो है इलेक्ट्रिक हीटिंग। इलेक्ट्रिक हीटिंग को बाकी अन्य प्रकार की हीटिंग से अगर मैं कंपेयर करूं, तो कंपैरिजन के लिए जो मुख्य बिंदु हो, इस आधार पर हम कंपैरिजन करते हैं। पहला प्रथम बिंदु क्लीनलीनेस, क्योंकि इलेक्ट्रिकल हीटिंग में यूजर एंड पे जैसे हम बात करते हैं, वहाँ किसी प्रकार की कोई गंदगी या डर्ट इकट्ठा नहीं होती, साइट पे बहुत क्लीन होती है। इलेक्ट्रिक हीटिंग का जो दूसरा एडवांटेज है कि एब्सेंस ऑफ फ्लूगेसेस। अगर हम हीटिंग के लिए सीधा आग लगा के काम करें, आग जला के काम करें, कोयले से हीटिंग करें, तो वहाँ फ्लूगेसेस निकलेगी, पोल्यूशन होगा, जबकि इलेक्ट्रिकल हीटिंग में यूजर एंड पे साइट पे किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन नहीं होता है। उसके बाद अगला जो बिंदु है वो है ईज़ ऑफ कंट्रोल। इलेक्ट्रिक हीटिंग में कंट्रोल करना बहुत आसान है। हम टेम्परेचर को जितना टेम्परेचर हमारे को जितने ड्यूरेशन के लिए चाहिए, और जिस रेंज में जिस लेवल से हमारे को टेम्परेचर को लगातार बढ़ाना है, लगातार घटाना है, सडनली कम करना है, सडनली डाउन करना है, जो भी हमारे को कंट्रोल करना है, वो हमारे लिए इलेक्ट्रिक हीटिंग में कंपैरेटिवली आसान है, जबकि अन्य प्रकार की हीटिंग में टेम्परेचर को कंट्रोल करना कंपैरेटिवली टफ है। इलेक्ट्रिक हीटिंग अन्य सबके कंपैरिजन में सस्ती है। डायरेक्ट अगर हम बात करें फायर से या कोयले से हीटिंग करने की बात करें, कोल से, तो उसके कंपैरिजन में महंगी हो सकती है, लेकिन अदर एडवांटेजेस को कंसीडर करते हुए हमें कह सकते हैं कि ओवरऑल इलेक्ट्रिक हीटिंग कंपैरेटिवली चीप है, सस्ता है। वर्किंग कंडीशन इलेक्ट्रिक हीटिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, साफ है, है ना। और नेक्स्ट ईज ऑफ अडेप्टेशन। अडेप्टेशन हम इलेक्ट्रिक हीटिंग में किसी भी प्रकार का कोई नया कंट्रोल्स यूज करना चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उसको हमारे लिए करना कंपैरेटिवली हमारे लिए आसान होता है इलेक्ट्रिक हीटिंग में। इलेक्ट्रिक हीटिंग की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। ईज़ ऑफ अडेप्टेशन की हम बात कर चुके हैं। इसमें हम हीटिंग यूनिफॉर्म होती है, ऐसा नहीं है कि अन्य हीटिंग में किसी एक एंड पर हीटिंग ज़्यादा हो सकती है, किसी एक एंड पर हीटिंग कम हो सकती है, जबकि इलेक्ट्रिक हीटिंग में कंप्लीट पूरी जिस डिस्टेंस तक या जिस ऑब्जेक्ट को हम हीट करना चाहते हैं, उसके पूरी तरीके से यूनिफॉर्म हीटिंग होगी। हीटिंग ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, इसमें जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसकी हीटिंग होती है, आसानी से अच्छे से हीटिंग हो जाती है। अब हीटिंग के जो डिफरेंट प्रोसेस है, उसकी हम फिलहाल बाद में हम इनको एक एक को डिटेल में बात करेंगे। आज हम केवल इनकी डिफरेंट प्रकार के जो हीटिंग प्रोसेस है, हीटिंग के मेथड्स, उनकी बात करते हैं। हीटिंग के मेथड्स को अगर मैं क्लासिफाई करें तो मोटे तौर पर दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग और हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। पावर फ्रीक्वेंसी मीन्स 50 हर्ट्ज पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है उससे हीटिंग करते हैं, और हाई फ्रीक्वेंसी में उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग तीन प्रकार की होती है, रेसिस्टेंस हीटिंग, आर्क हीटिंग और इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट हीटिंग। उसमें से रेसिस्टेंस हीटिंग के दो पार्ट, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग और इनडायरेक्ट हीटिंग रेसिस्टेंस हीटिंग, यानी जिसमें हम डायरेक्ट रेजिस्टेंस के थ्रू करंट पास करके उसको हीट करते हैं, उसमें डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग कहलाती है, और जिसमें हम ये काम इनडायरेक्टली करते हैं वो इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग है। इसी प्रकार से आर्क हीटिंग के भी दो पार्ट हैं, दो तरीके से आर्क हीटिंग हो सकती है, डायरेक्ट आर्क हीटिंग और इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग। इलेक्ट्रॉनिक बम्बार्डमेंट में हम हीटिंग करने के लिए 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे उस ऑब्जेक्ट को जिसको हम हीट करना चाहते हैं उस पर इलेक्ट्रॉनिक बम्बार्डमेंट करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग दो प्रकार की होती है, इंडक्शन हीटिंग और डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। ये हीटिंग से संबंधित एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मुझे
और विश्वास है कि ये विद्यार्थियों के लिए यूजफुल रहेगा। आगे की इसकी जो डिटेल है उसको हम बाद में अन्य उसमें जिसमें एक एक हीटिंग किस प्रकार से हम करते हैं उसकी बात करेंगे। धन्यवाद।